अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने पर गुस्साई महाविकास आघाड़ी, मोदी सरकार से की मांग, रोल बैक हो बढ़ोतरी। एक तरफ 90 दिनों का लॉकडाउन और दूसरी तरफ कोरोना का कहर, इन सबके बीच परेशान देशवासियों को पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों ने नई टेंशन दे दी है। महाविकास आघाड़ी के नवीनबई के नेताओं ने इसके लिए मोदी सरकार को घेरते हुए मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक गावड़े, कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र सावंत एवं शिवसेना के विजय माने ने कहा कि जब जनता लॉकडाउन से आर्थिक तंगी में जी रही है, तब डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना जनता के साथ विश्वासघात नहीं तो और क्या है। उन्होंने कहा कि यदि ईंधन की कीमतें रोल बैक नहीं हुई तो महाविकास आघाड़ी सड़क पर उतरकर मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। आइए सुनाते हैं महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने क्या कहा। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार पेट में जाएंगे तो क्रूड तेल का प्राइस कम हो रहा है और अपने देश में ईंधन बढ़ रहा है, तो एक बाजू से पेट्रोल डीजल गैस ये बढ़ रहा है और उसके वजह से हर एक नागरिक के जेब में हाथ डाल के ये सेंट्रल गवर्नमेंट सब जो भी नागरिकों के जेब में है वो निकालने का प्रयास कर रहा है। इसलिए मैं उन लोगों का पहला जाहिर निषेध करता हूँ। आज 4-5 महीने से लॉकडाउन का पीरियड है, ये लॉकडाउन में हर एक व्यापारी का व्यवसाय बंद है, कर्मचारी आज घर में बैठे हैं, आज जिसका हाथ के ऊपर पेट है, जिसको काम करने के बिना उसका पेट नहीं भरता है, ऐसे लोगों का आज गुजरना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे टाइम पे ये गवर्नमेंट लोगों को दिलासा देने के बल्कि लोगों को हलाल करने का काम ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है। मैं मेरे पार्टी की ओर से उनका जाहिर निषेध करता हूँ। गए 5 साल में उन्होंने जो भी आश्वासित किया था, जो भी आश्वासन दिया था, ये पूरा फेल गया है। आज चीन के ऊपर भी उन्होंने चीन के सामने गुड़गे टेका है। तो ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट का निषेध करना जरूरी है। यहाँ के बीजेपी के जो नेते हैं उन्होंने गए 5 साल में कुछ भी किया नहीं, बल्कि जो पीछे के गवर्नमेंट ने किया था वो उन्होंने तिजोरी का सब खत्म किया, खाली तिजोरी महाविकास आघाड़ी के ताबे में दिया, तो भी आज वही लोग बम मार रहा है, वो आंदोलन कर रहा है, वो खाली दिखावे के लिए है। आज महाभारत में धृतराष्ट्र जैसा राज्य कारोबार कर रहा था, गांधारी ने अपने आँखों के ऊपर पट्टी बंधाई थी, ऐसे ही बीजेपी के पूरे नेते आज आँख होने के बावजूद आँखों के ऊपर पट्टी बांध के राज्य कर रहा है। इन लोगों का मैं हमारे पार्टी की ओर से, नागरिकों की ओर से जाहिर निषेध करता हूँ। हम लोग थोड़े ही दिन में, एक कल परसों, हम यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का निषेध करने के लिए यहाँ आंदोलन छेड़ने वाले हैं। कोरोना की महामारी बढ़ती जा रही है, कांग्रेस चुप नहीं है, कांग्रेस देख रही है कि केंद्र सरकार क्या क्या गलतियाँ कर रही है। आज आपने देखा तो ये लॉकडाउन पूरा फेल हुआ है। जब हमारी कांग्रेस की सत्ता थी तब मनमोहन सिंह जी अंतर्राष्ट्रीय जो पेट्रोल और डीजल के दर थे, जो बैरल का रेट था, वो हिसाब से एग्रीमेंट किया था, वो हिसाब से आज पूरा केंद्र ने वो सोचना चाहिए था कि जब देश में कोरोना की महामारी आई है, जो इमरजेंसी सर्विस में ये लोगों को पेट्रोल और डीजल जो अगर महंगा गिरा तो ये जो पैसा है आम आदमी के जेब से जाने वाला है। इसके लिए हम ये केंद्र सरकार और ये बीजेपी सरकार का निषेध करते हैं और ये पेट्रोल और डीजल दरवाड़ी के खिलाफ हम अभी जल्दी तीव्र आंदोलन करने वाले हैं। 15 दिन से आप साथ देख रहे, पेट्रोल रहे, डीजल रहे, उनका हर दिन रेट बढ़ रहा है। आज महाराष्ट्र में पूरा गोर गरीब जनता एकदम तकलीफ में है और उसमें केंद्र सरकार जो पेट्रोल डीजल का दर बढ़ा रही, वो हम लोग शिवसेना नवीनबई की तरफ से उनका निषेध कर रहे हैं और आने वाले काल में उनका निषेध करने के लिए आंदोलन भी करेंगे। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री सन्माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब वो भी केंद्र सरकार का निषेध कर रहे हैं। तो हमारे तरफ से यही मांग है कि आज गोर गरीब जनता इतनी वैताग गई है और पैसा नहीं पब्लिक के पास, वही हालत आज बेकार करके बैठी है और वही केंद्र सरकार हर दिन पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा रहे, उनके लिए शिवसेना नवीनबई की तरफ से उनका निषेध है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।